आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हनी ट्रैप मामले में हो सकते हैं बड़े खुलासे, कई रसूखदारों के काले कारनामे होंगे उजागर। शहनवाज बोले, नेहरू ने की थी नाइंसाफी, मोदी ने 370 हटाकर किया इंसाफ। कंप्यूटर बाबा के निशाने पर शिवराज, कहा हनी ट्रैप शिवराज शासन की देन। इंदौर के रिसोर्ट में 4 लोगों की रहस्यमय मौत, पति पत्नी और 2 बच्चों के शव कमरे में मिले। और सतना में चोरों के हौसले बुलंद, कार से बांध कर ले गए SBI का ATM। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। हनी ट्रैप कांड की आरोपित आरती दयाल 9 दिन बाद पुलिस के सामने टूट गई और बड़ी हस्तियों को ब्लैकमेल करना कबूल कर लिया है। आरती ने यह भी कबूला है कि हरभजन करोड़ों के ठेके और मोनिका को नौकरी का झांसा दे रहा था। इसके बाद ही उससे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हरभजन को कोर्ट में बयान और पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। आरती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे कोरे कागज में दस्तखत करवाए हैं। इस मामले में जल्द कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। नेताओं, अफसरों, मीडिया और व्यवसायियों की अय्याशी के हनी ट्रैप से संभव है कि धीरे धीरे पर्दा उठे। ये मामला पुलिस की जांच के साथ राजनीतिक भी हो गया है। इसमें अपनों को बचाने और बाकियों को फंसाने का काम भी हो सकता है। हनी ट्रैप के एक आरोपी आरती दयाल इस मामले की मुख्य कड़ी है। आरती अभी तक बीमारी का बहाना बनाकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन गुरुवार को SIT सदस्य SP साइबर विकास शहवाल, क्राइम ब्रांच ASP अमरेंद्र सिंह, CID निरीक्षक मनोज शर्मा की टीम पूछताछ में वह टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि श्वेता जैन के गिरोह से जुड़कर अधिकारी, नेता व कारोबारियों को ब्लैकमेल कर रही थी। SSP के अनुसार आरती से कई बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं ब्लैंक पेपर पे। ब्लैंक पेपर पे। आरती से पूछताछ के बाद पुलिस ने फरियादी इंजीनियर हरभजन सिंह को भी नोटिस जारी कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस मानव तस्करी का केस दर्ज करने के बाद हरभजन से पूछताछ करना चाहती है। आरती व श्वेता को फोन में कई मैसेज और नंबर कोडवर्ड में मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि इस गैंग से बॉलीवुड की कुछ सी और बी ग्रेड हीरोइन भी जुड़ी हुई थी। इनके साथ 40 से ज्यादा थी कॉल गर्ल्स भी जुड़ी हुई थी। इधर आरती दयाल ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उससे कई कोरे कागजों पर दस्तखत कराए हैं। आरती ने इस पूरे घटनाक्रम में जो उसकी आपराधिक भूमिका है उसको स्वीकार किया है, और जो तरीका वारदात है उसके अभी फिलहाल ये लगभग पिछले 1.5 साल से भोपाल आने की बात बता रही है, उसके पहले ये छतरपुर सागर तरफ ही थी। हनी ट्रैप गैंग की महिलाएं और लड़कियां नेताओं और अफसरों के करीब जाकर बेहद शातिराना तरीके से उनकी वीडियो बना लेती थी। इनकी दूसरी टीम ने उन्हीं पिक्चरों को अपने शिकार से पैसे ऐंठने का काम करती और तीसरी टीम उनसे सरकारी काम निकलवाती थी। मुमकिन है कि जल्द ही ये साफ हो जाए कि पर्दे के पीछे से आखिर ये सिंडिकेट चला कौन रहा था। इंदौर के वाटर पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी पत्नी और उनके 2 जुड़वा बेटों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दंपति एक दिन पहले ही बच्चों के साथ वहां घूमने गए थे। गुरुवार शाम तक भी जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो वाटर पार्क प्रबंधन ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। भीतर सभी के शव पड़े देख पुलिस को सूचना दी गई। माना जा रहा है इन सब की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। क्रिसेंट वाटर पार्क में बने रिसोर्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से पुलिस भी हैरान है। ये शव DBCT में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक सक्सेना, उनकी पत्नी प्रीति सक्सेना और उनके 14 वर्षीय जुड़वा बच्चे अद्वैत और अनन्या के हैं। शव क्रिसेंट वाटर पार्क के कमरे में मिले। दंपति ने ऑनलाइन रूम बुक करवाया था। TI रुपेश दुबे के अनुसार परिवार ने बुधवार रात 10 बजे अंतिम बार पानी की बोतल बुलवाई थी। उसके बाद से न कमरे से कोई बाहर आया और न ही कुछ मंगवाया। जब गुरुवार दोपहर बाद तक कोई हलचल नहीं हुई तो वाटर पार्क प्रबंधन ने पहले दरवाजा खटखटाया, खुलवाने का प्रयास किया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। भीतर बच्चों और दंपति के शव देखकर
तुरंत खुडैल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच की तो शवों के पास जहरीला पदार्थ रखा मिला। अभिषेक सक्सेना, हाँ, उनके वाइफ का नाम प्रीति सक्सेना, वो दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की दोनों जुड़वा हैं, अद्वित सक्सेना एंड अनन्या सक्सेना। ये एक सुसाइड अटेम्प्ट फर्स्ट प्राइस पे लग रहा है, उसमें कुछ प्रदर्श मिले भी हैं हमें, उसको आगे जांच में लेकर अभी कार्रवाई हो की जाएगी, स्पष्ट रूप से तभी कहा जाएगा जाँच कर। प्रारंभिक जाँच में संभावना जताई जा रही है कि जहरीला पदार्थ खाने से उनकी मौत हुई होगी। FSL टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल की है। फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शवों के पैर और हाथ के नाखून भी नीले पड़ गए थे। अभिषेक के मामा की बेटी संध्या सक्सेना ने बताया कि हादसे की खबर मिलने के बाद वह दिल्ली से इंदौर पहुंची। उसने बुधवार रात 8 बजे प्रीति व उनके दोनों बच्चों से बात की थी। सभी खुश थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट लिखकर कहा, सिंधिया ही हमारे नेता हैं, सिंधिया में उन्हें विश्वास है, जो भी सिंधिया के खिलाफ बोलेगा उसकी वे जीप काट लेंगे। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेता ने सिंधिया के समर्थन में धमकी भरी पोस्ट अपनी फेसबुक वॉल पर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जो भी सिंधिया के खिलाफ बोलेगा उसकी वे जीप काट लेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा है कि सिंधिया ही हमारे नेता हैं, सिंधिया में ही उन्हें विश्वास है। हाल ही में मनोज भार्गव भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कुछ दिन पहले प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार द्वारा ली गई बैठक के दौरान सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इस पोस्ट को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्वालियर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर है और यह गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। कहीं बैठकों में खींचतान तो कहीं सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। अब इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर दो गुट सामने आमने आ चुके हैं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का कोई भी नेता कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक सराहनीय काम किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर देश की जनता और कश्मीर के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और देश की जनता के साथ इंसाफ किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, केंद्र सरकार का धारा 370 हटाना एक बड़ा और सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और देश की जनता के साथ इंसाफ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को भी साकार किया है। शहनवाज यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, इमरान पूरे विश्व के सामने अलग थलग पड़ गए हैं। इमरान के पास किसी भी देश का कंधा रोने तक के लिए नसीब नहीं हो रहा है। इमरान के सामने सिर्फ एक चाइना मात्र है, जिनके सामने वे गिड़गिड़ा रहे हैं। क्योंकि पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। चाइना के कंधे पर रोने के अलावा इमरान खान के पास अब कोई चारा नहीं। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था के सवाल पर शहनवाज ने कहा कि जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सेंसेक्स में उछाल आया है। मोदी जी ने जो जनता से वादा किया है उस पर भी खरे उतरेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज ने कांग्रेस पर घोटाले के आरोप लगाते हुए बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा, इसके लिए कांग्रेस को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। अब खबर सागर से है, जहां के एक गांव में पुल पर बनाई गई काम चलाऊ सड़क पानी में बह गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जब प्रशासन की नींद नहीं खुली तो ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बना दिया। ये पुल खतरनाक है, लेकिन मजबूरी में बच्चे इसी से स्कूल जा रहे हैं। ये पुल एक बल्ली के सहारे टिका हुआ है। जूड़ाहारा प्राथमिक शाला के छात्र इन दिनों लकड़ी के पुल के सहारे नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। नाले पर पाइप के ऊपर मिट्टी डालकर बनाई गई सड़क बारिश के कारण बह गई। इसके बाद भी यहां के ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में एक बल्ली के सहारे लकड़ी से गांव वालों ने एक काम चलाऊ पुल बना लिया है, लेकिन इससे निकलना खतरनाक है। मजबूरी में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को इसका प्रयोग करना पड़ रहा है। ये मंजर देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बमुश्किल इसे पार कर पाते हैं। लकड़ी के पुल को पार करते हुए बच्चों को डर भी लगता है। लकड़ी का पुल अपन कल बनाया था सुबह टाइम, और इसके पहले जब पुलिया बंदी थी तो ये बह गई तो फिर पानी में से निकला था। हम लोग दिक्कत में रहे, अब दिक्कत के बाद बाल बच्चे जो पढ़ भी आते उन्हें दिक्कत होती, बह जाते
तो उनके लिए साधना बनाई गई। ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकारी दावे यहां खोखले नजर आते हैं। कहीं स्कूल भवन जर्जर है तो कहीं स्कूल जाने वाले मार्गों के हालात इस पुल जैसे हैं। यहां अब सड़क के नाम पर केवल दलदल है। सड़क निर्माण के दौरान नाले पर पाइप डालकर मिट्टी डाल दी गई, लेकिन पहली ही बारिश में मिट्टी बह गई, जिस कारण राहगीरों व स्कूली छात्र पाइप पकड़कर नाला पार करते थे। बच्चों की समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने नाले पर लकड़ी का पुल बनवा दिया। जनपद सीईओ का कहना है कि सड़क निर्माण की जांच कराई जाएगी। वहीं यहां के सरकारी अधिकारी कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसका है, अब इशू का लग जाएगा तो पानी बह रहा है उसमें, तो अभी 8-10 दिन 15 दिन के भीतर काम लग जाएगा। हाँ, रोड है कितने लाख की? 13 लाख है। 49 कितना काम हो चुका है करीबन अभी उसका? 80% है काम। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज ने 15 वर्षों में जो घोटाला किया है उसमें हनी ट्रैप का मामला भी शामिल है। कंप्यूटर बाबा ने कहा शिवराज के लगाए 700 करोड़ पेड़ में से 700 पेड़ भी नहीं है। कटनी में नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज ने जो 700 करोड़ पेड़ लगाए थे वो सब कहाँ हैं। कंप्यूटर बाबा ने बाकायदा SIT बनाकर इस मामले की जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मामले की जांच की जाएगी तो पूरे प्रदेश में 700 पेड़ भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का यह दावा सिरे से झूठा है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज ने जो 15 सालों में घोटाले किए हैं उनमें हनी ट्रैप का मामला भी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, आप न तड़फड़ाएं। आपने 15 साल तक ऐसा राज किया है कि जनता ने आपको उखाड़ के बाहर कर दिया। आप संतुष्टि से बैठें और देखें कमलनाथ सरकार कैसा काम कर रही है, उसको सीखें। आपने 15 साल में जो काम किया है, भ्रष्टाचार, घोटाला, किसी विधायक को, मैं आपसे बता दूं, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो चोरी करेगा उसको सलाखों में डालूंगा। कंप्यूटर बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भगवा पर दिए विवादित बयान को भी सही ठहराया। बाबा ने कहा कि जो देश की मौजूदा स्थिति है उसको ध्यान में रखकर ही सनातन धर्म की रक्षा करने की बात दिग्विजय सिंह ने कही है। कंप्यूटर बाबा ने अपनी पार्टी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि रेत के अवैध खनन मामले में चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसे सलाखों के पीछे डालेंगे। खनिज माफियाओं के खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भर गया, जिसमें नहाने गए 3 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे आए दिन खदानों में खतरा बना रहता है। छतरपुर के हरपालपुर थाना क्षेत्र के गलान गांव में खनिज माफियाओं द्वारा खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भर गया, जिसमें नहाने गए 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चे पढ़ने गए थे। बच्चे स्कूल में बैग रखकर पास ही मोरम खदान में नहाने चले गए। नहाने गए बच्चे खदान में भरे पानी में डूब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 1 बच्चे को स्थानीय लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। बच्चों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। मैं मंदिर पहुंच रहा था करीब 10 बजे करीब,
तो हमारी चाची वहाँ पे गट्टी मिल रही थी पहाड़ पे, उनने हमें आवाज़ दी कि बच्चे डूब गए। जैसे ही भागता आया तो मुझे सिर्फ एक बच्चा पकड़े में आया, वो ही दिख रहा था, बाल दिख रहे थे, बाकी दो कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं बिल्कुल, उससे पूछा मैंने, जब उसे होश आया तो वो कह रहा था वहाँ पर थोड़ी दूर वहाँ से आ रहे थे एक छोटा है, मैं उस तरफ गया तो उस तरफ मुझे कुछ। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में स्कूल के पास ऐसी खदानें हैं जिनसे हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते कोई कार्रवाई खदान मालिक पर नहीं की जाती। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने खदानों का निरीक्षण करने के साथ ही कार्य रोकने की बात कही। सूचना प्राप्त हुई थी पटवारी के माध्यम से कि दो बच्चे वहाँ पे स्कूल के पीछे कोई खदान है उसमें डूब गए हैं। मैं स्वयं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ आने पर जानकारी प्राप्त हुई है कि जयहिंद पिता गोविंद सिंह ये कक्षा 8 में पढ़ता था, 12 वर्ष का था, और ये यश पिता चरण सिंह यादव इसकी उम्र 9 वर्ष है, ये कक्षा 5वीं में अध्ययनरत था, ये दोनों डूब गए हैं। और एक बच्चे को क्या नाम है इसका, घनश्याम अहरवार को, गोलू पिता मिथिलेश को, मिथिलेश यादव को घनश्याम अहरवार ने डूबते से बचा लिया है। ये आज मेरे संज्ञान में आई है, सबका मैं निरीक्षण कराता हूँ और माइनिंग विभाग को इसमें लिख के दूंगा कि इन खदानों को एक या तो पुरवाएं या फिर इन पे वायर फेंसिंग करवाएं। सतना में एक बड़ी घटना सामने आई है, जब चोर एटीएम से पैसा नहीं निकाल सके तो एटीएम को कार से बांधा और घसीटते हुए ले गए। सीसीटीवी में चोर एटीएम को कार से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाते दिख रहे हैं। बीती रात सतना में एटीएम उखाड़कर ले जाने की एक बड़ी वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, जिसमें चोर एटीएम को कार से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे अमरपाटन थाना इलाके में एसबीआई के एटीएम रूम में चोर घुसे और उन्होंने पहले एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की। जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो एटीएम मशीन को कार से बांधकर और तेज रफ्तार में उसे उखाड़कर ले गए। इस घटना ने पुलिस की रात की गश्ती की पोल खोल दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में जापान में नौकरी दिलवाने के नाम पर लगभग 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। खजुराहो के 2 दर्जन से अधिक लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। खजुराहो के 2 दर्जन लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता की माने तो खजुराहो का दिनेश मिश्रा लंबे अरसे से जापान में रह रहा है, उसी ने लोगों के साथ ठगी की है। पीड़ितों का कहना है कि नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने के नाम पर उसने सभी से मोटी रकम वसूली है। दिनेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने मेरे चाचा जी के 2 बच्चों को जापान लेके जाने के लिए उनकी जॉब के लिए उनसे 4-4 लाख रुपए 8 लाख रुपए लिए और 6 महीने तक घुमाया, उसके बाद फिर वो गायब हो गए। रामस्वरूप मिश्रा जो उनके पिताजी हैं उनके अकाउंट में डाला गया और जापान में दिनेश मिश्रा के अकाउंट में डाला गया और उनका एक अकाउंट SBI का यहाँ का उसमें भी डाला गया। खजुराहो के रामस्वरूप मिश्रा के पुत्र हैं दिनेश मिश्रा, दो हमारे यहाँ खजुराहो में काफ़ी दिनों से जापान में रहते तो खजुराहो आना जाना रहता है उनका, साल में 2-3 बार आते थे खजुराहो में, होटल इजाबेल पैलेस में रुकते थे। तो उन्होंने चर्चा की कि उन्होंने एक जापानीज कारपोरेशन कंपनी का लेटर दिखाया कि जापान में जॉब है वहाँ लोगों के लिए, तो उन्होंने झांसा दिया सब लोगों के कि 4-4 लाख रुपए लगेंगे आपको, वीज़ा पासपोर्ट सब कंप्लीट आपको जाने का, 90-90 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी। तो यहां से करीब 20-25 लोगों ने उसके खाते में, कुछ लोगों ने खाते में दिए, कुछ लोगों ने नगद दिए, 4-4 लाख रुपए दिए, कुछ लोगों के पासपोर्ट मंगवाए। तो 3 सितंबर लास्ट तक वो 3 सितंबर तक संपर्क में रहा है, इसके बाद कोई संपर्क नहीं, सभी फ़ोन के माध्यम बंद कर लिए गए हैं और अब फ़ोन बिल्कुल बंद है उनका। दिनेश मिश्रा 2 दर्जन से अधिक लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए ठग लिया और अब वह उनके पैसे खाकर भाग गया। ठगी का शिकार हुए लोगों ने दिनेश मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खजुराहो में कल एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, इसमें दिनेश मिश्रा नामक व्यक्ति के खिलाफ एक शिकायत है कि उसने नौकरी के खाता लेकर पैसे लिए हैं। आवेदन की जाँच कराई जा रही है, जो भी तथ्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर के मुड़िया गांव में 200 सालों से कंस वध की परंपरा चली आ रही है। अन्याय व अत्याचार पर जीत के प्रतीक कंस वध का सिलसिला यहां भगवान कृष्ण के एक स्वप्न के बाद शुरू हुआ था। इस गांव के लोगों का मानना है कि कंस का वध करने के कारण इस इलाके में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है।
मुड़िया गांव में इस परंपरा को सदियों से निभाया जा रहा है। दरअसल 200 साल पहले यहां प्लेग की महामारी फैली और भगवान कृष्ण ने कुशवाहा परिवार को स्वप्न देकर हर घर से मिट्टी लाकर गांव के बाहर कंस की प्रतिमा बनाकर उसका सांकेतिक वध करने को कहा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। गांव में आमने सामने दो सेना है, एक तरफ कंस की सेना तो दूसरी तरफ कृष्ण की सेना। स्टेडियम युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है। कृष्ण भी रथ पर सवार होकर कूच कर गए हैं तो राक्षस भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार हैं। आसपास के गांव के लोग चारों तरफ से युद्ध का लाइव नजारा देखने तैयार हैं। गांव वालों ने अपने अपने खेतों और घरों से मिट्टी लाकर गांव के बाहर कंस की एक मूर्ति बनाई है और उसके मुकुट के ऊपर लगी सफेद फूल की कलगी को कृष्ण को लाकर मुकुट से निकालना होगा। कंस की सेना ऐसा करने से रोकती है लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ठहरे। 4 से 5 घंटे युद्ध चलता है और कंस का वध होता है। 150 साल पहले इस गांव में एक महामारी आई जब यह गांव लगभग अभ्युदय की स्थिति में था। इसका पूरी तरह से निर्माण भी नहीं हुआ था इस गांव का। तब एक महामारी आई और लोग हर घर से लोग बीमार पड़ने लगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए उस समय मेडिकल सुविधाएं तो हुआ नहीं करती थी। तब कहते हैं किसी कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को भगवान ने स्वप्न दिया कि अगर आप सब लोग पूरे गांव के लोग मिलकर गांव के बाहर चौराहे पर कंस की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से और उसका वध किसी बालक द्वारा उत्सव के रूप में करते हैं तो यह परंपरा जब तक चलती रहेगी यह महामारी नहीं आएगी। मुड़िया गांव के प्रत्येक घर एक एक दो मुट्ठी लेकर बनाए जाने वाले इस कंस के वध के साथ बुराई को मिटाने का संकल्प लेकर ग्रामीण पुरानी परंपरा का निर्वाह भी कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक बुराई जैसे नाश गंदगी खुले में शौच के बंद करने की भी शपथ ले रहे हैं। समय के बदलाव के साथ साथ सामाजिक बुराइयां का भी स्वरूप बदल रहा है। आज के दौर में हम देखते हैं जैसे जुआ सट्टा इसमें सामाजिक बुराइयां बच्चियों की भ्रूण हत्या ऐसी उसके रूप में जो बुराई जो कंस की तरफ जो राक्षस प्रवृत्ति की जो बुराइयां हैं इनको मिटाने के लिए जो अच्छाई की विजय बुराई पर काबू पाने के लिए। बदलते दौर में पुरातन परंपरा को युवा सोच ने नए आयाम को देकर वर्षों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखते हुए असल सामाजिक बुराई के अंत का जो रास्ता चुना है उसे नए नजरिए से देखे जाने और अपनाने की जरूरत है ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। ग्वालियर चिड़ियाघर में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है। यह नन्हा मेहमान हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा है। मादा दरियाई घोड़ा डिम्पी ने बेबी हिप्पो को जन्म दिया है जिसका वजन 40 किलो है। ग्वालियर चिड़ियाघर में एक बेबी हिप्पो का जन्म हुआ है। अब यहाँ नर और मादा हिप्पो के साथ उनका बेबी भी है। वर्ष 2011 में एक नर हिप्पो अप्पू को दिल्ली से ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में लाया गया था जिसके बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गाइडलाइन के आधार पर अप्पू के लिए मादा हिप्पो डिम्पी को वर्ष 2018 में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लाया गया जिसके बाद बेबी हिप्पो का जन्म हुआ। जू प्रबंधन के अनुसार बेबी हिप्पो ने हिडिंग करना शुरू कर दिया है और उसका वजन भी 40 किलो के लगभग है जो कि पूरी तरह स्वस्थ होने की पुष्टि करता है। फिलहाल प्रबंधन मादा हिप्पो डिम्पी और बेबी हिप्पो को निगरानी रखे हुए है। साथ ही जल्द बेबी हिप्पो का नामकरण भी किया जाएगा जिसके लिए स्थानीय स्तर पर बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो चूंकि हमारी जो गाइडलाइन है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की उसमें किसी भी एनिमल को सिंगल नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए हमने प्रयास किया कि कहां से हमको मादी मिल सकती है। तो अभी 2018 में हमको कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर से फीमेल मिल गई थी जो एनिमल एक्सचेंज में। 2018 में उसको यहाँ लेके आए जो है फिर इसकी पेयरिंग करी गई जो है 1.5 साल पेयरिंग में लगा। अब इसमें मैटिंग हुई है और मैटिंग हमारी सक्सेस रही और कल रात को एक शिशु का जन्म हुआ है। अभी मादा और जो शिशु दोनों स्वस्थ हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।